नमस्कार दोस्तों, EMU क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना प्यारा दोस्त फिर से एक बार आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टेट का 60 क्वेश्चन ऐसा जो आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही सहायक साबित होगा। और इस यूपी टेट के एग्ज़ाम में इसमें से पक्का आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ कि पक्का आपका क्वेश्चन फंसने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि का भाग एक, यानी कि आपका पहला पार्ट। इसमें मैं आपको 60 क्वेश्चन दूंगा और 60 क्वेश्चन के बाद 60 क्वेश्चन और अगले वीडियो में दूंगा, जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि आपको आगे का वीडियो मिल सके। ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, कह रहा है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका दिए मिले यानी उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं, मतलब बच्चों की वातावरण की बात कर रहा है। बच्चे जो है, जाहिर सी बात है, हमेशा वातावरण से ही सीखते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? उसका सही आंसर होगा कि उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले तो बच्चे सही तरीके से जो है अपने वातावरण में सीख सकते हैं। इसका आंसर होगा पहले का ए। आइए अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। अध्यापक से जो है समय की पाबंदी मतलब कि कह रहे हैं, मतलब ये है कि टाइम से स्कूल आओ, टाइम से जाओ, इस तरह की कुछ चीज़ें सीखता है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का? तो इसका आंसर होगा आपका प्रेक्षण अधिगम। प्रेक्षण अधिगम, क्योंकि अध्यापक से समय पाबंदी सीखता है तो ये उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का। तीसरे सवाल पे आइए आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश 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 चाहिए, यानी इस उचित खाली स्थान में क्या भरा है, इसमें से कौन सा भरा जाएगा, ये कह रहा है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती, यानी जो विद्यार्थी सीखता है उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती होंगी, तो उनके निदान के बाद, यानी निदान करने का मतलब ये कि जो कमियाँ आप जान गए हैं, निदान उसको कहते हैं जब उसकी कमियों को जान जाए। तो कमियों को जानने के बाद आप क्या करेंगे, सघन अभ्यास का अभ्यास कार्य होना या समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपस्थिति के बारे में बताना, इनमें से कौन सा है जो इसमें उचित स्थान पर भरा जाएगा? तो इसमें से सबसे सही होगा कि समुचित उपचारात्मक कार्य। देखिए, निदान वो होता है जिसमें बच्चों की कमियों को ढूंढा जाता है और कमी को ढूंढने के बाद जब आप उसका जो है क्या बोलते हैं उपचार करेंगे तो वो कमियां उसकी दूर हो जाएंगी। इसलिए उपचारात्मक कार्य करना होगा। इसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपकी बीमारी का निदान करता है, देखने के बाद ढूंढता है क्या कमियाँ हैं और उस कमी को होने के बाद फिर जो है आपको उसके उपचार के तरीके बताता है। तो ये होगा इसका आंसर। चौथा है, एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध पकड़ करता है, यह इंगित करता है। मतलब एक शिक्षक है जो बच्चे की गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को देख के ज़्यादा जो है आग बबूला हो जाता है, कह लीजिए, या गुस्सा हो जाता है ज़्यादा, तो यह क्या इंगित करता है? वह बच्चे का शुभचिंतक है, शुभचिंतक, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, ये कह रहा है। तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका कि डी हो जाएगा इसका आंसर, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं, यानी उसने अपना संतुलन उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है उस बच्चे की। और आपको पता ही होगा
कि एज ए टीचर आपको छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए आपके अंदर जो है क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो गलती तो करते ही हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ये 5। NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संतुतियाँ प्रस्तुत करता है। तीसरा, यह भारत के गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो कभी नहीं होगा। यह भारत के गुणात्मक शिक्षा संबंध में यूनेस्को और भारत का हस्ताक्षरित दस्तावेज है, ये कभी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी, 5वां का बी। एक एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा संबंध संतुतियाँ प्रस्तुत, मतलब एनसीईआरटी ने एनसीएफ के दस्तावेज तैयार किए हैं कि प्राइमरी स्तर तक के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। 6वां क्वेश्चन आपका है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ --- की ओर संकेत करती हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों की जो गलतियाँ हैं वो किस ओर संकेत करती हैं, वो ये पूछ रहा है। वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो उसका पहला हो जाएगा आपका ए, वे कैसे सीखते हैं ये इंगित करता है। अब आखिरी देख लीजिए इसका, ये इस सवाल में इधर का आखिरी, एक बच्चा जो डर से ग्रस्त है वह सा को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। कहने का मतलब एक ऐसा बच्चा एक ऐसी बीमारी से इन चारों से ग्रस्त है जो सात शब्द को जो है वाज कह लेता है, यानी कि डब्लू को जो है इधर करता है और ए को उधर कर देता है। इसमें न्यूक्लियर को अनक्लियर कर देता है, यानी कि यू को इधर करता है और एन को उधर कर देता है, अनक्लियर करता है, अंतर नहीं कर सकता है। तो इसमें से उसमें से कौन सी बीमारी से ग्रसित है? तो देखिए, पहला है शब्द जम्बलिंग विकार, दूसरा है डिसलेमेक्सिया, तीसरा है डिसलेक्सिया ड्यूमोनमाफिया, चौथा है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है एन को यू के पास, यू को एन के पास, यहाँ जो है डब्लू को ए के पास, और इधर जो आपको देख लीजिए डब्लू पहले कर दे रहा है, ए को बीच में, यस को उधर कर दे रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, शब्द जम्बलिंग कर रहा है, यानी शब्दों को जो है इधर उधर फैला रहा है, छीट रहा है। आइए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, यानी बच्चे सीखने की प्रक्रिया यानी बच्चे जो सीख रहे हैं उसमें प्रगति कह रहा है तब हो सकती है जब हम इनमें से क्या करेंगे तो उनके सीखने की प्रक्रिया में प्रगति हो सकती है। इसमें जो पहला दिया है उसमें आपका ऑप्शन कि उसकी प्रगति की नियमित रूप से जाँच करें। दूसरा दिया है बच्चों की प्रगति की नियमित रूप से जाँचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। सी कह रहा है बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें। चौथा कह रहा है कि बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजित करें। तो आपके हिसाब से इसमें आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी, बच्चों की प्रगति नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, यानी कि नियमित रूप से तो आप जांचिए लेकिन उसके साथ साथ जो कमियां रह गई हैं उसमें सुधार के भी कदम उठाइए, ये कह रहा है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये कोटेशन है कोहलबर्ग का, जो बाल विकास मनोविज्ञान के एक जो है लेखकों में से, मनोवैज्ञानिकों में से ये भी एक मनोवैज्ञानिक है कोहलबर्ग, और जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, इनमें से क्या करके वो शिक्षक जो है नैतिक मूल्यों का बच्चों में विकास कर सकता है? पहला है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार में स्पष्ट नियम बताकर। तो ये देख लीजिए, अरे भाई कठोर निर्देश तो नहीं दिया जाएगा बच्चे को, धार्मिकता के बारे में उसको बताने से
उसमें कोई विकास नहीं थी मूल्यों का होगा। व्यवहार के अस्पष्ट नियम बताकर नियम उस पर थोपने से तो बच जाता है आपका ए, ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ए। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यानी अब चर्चाओं में जब उन्हें शामिल कर देंगे तो उनके मनोतिक मूल्यों का विकास होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन, ऑप्शन है सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? मतलब खेल, नाटक, कला, संगीत, शिल्प, खेल, ये सब गतिविधियाँ का संचालन जो कक्षा 5 का बच्चा है, 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक स्तर कह रहा है, तो 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में आपको क्या करना चाहिए? सप्ताह में एक बार ये होना चाहिए, वो भी सप्ताह में एक बार। मान लीजिए सैटरडे, शनिवार के दिन आप अगर चाहें शनिवार के दिन उसको खेल कर, सप्ताह के एक बार सैटरडे होता है और अगली सुबह संडे होता है, बच्चा आराम से छुट्टियों में भी आराम कर सकता है और आराम से आप अपना जो है वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग्यारह आपका ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का आपका उदाहरण हो जाएगा 11 का, हो जाएगा आपका डी। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। बारहवां, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? यानी कक्षा 4 का एक बच्चा है जो हमेशा जो है चिंतित और कुठित रहता है, खोया खोया सा रहता है, तो उसके उसके लिए आप क्या करेंगे ये पूछना है आपसे। तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, भाई शिकायत तो बिल्कुल नहीं करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, भाई मनोचिकित्सक, उसकी कोई बीमारी तो है नहीं कि मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। स्व परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। और चौथा है, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, भाई छोड़ तो नहीं सकते हम क्योंकि बच्चा स्कूल में है और हमारी जिम्मेदारी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करें, यानी हम उसको जानना चाहेंगे कि वो चिंतित क्यों रहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा है, उसके बाद फिर हम उसका जब उसके निदान कर लेंगे तो उसकी कमियों को जब जान जाएंगे तो उसका उपचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा, क्या होगा या क्या होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि मानसिक आयु है 12 वर्ष और शारीरिक आयु है 10 वर्ष, तो बुद्धि लब्धि में आपने शायद पढ़ा होगा इसको कहते हैं आई क्यू इसको बोलते हैं, और आई क्यू में जो है निकालना, आई क्यू का फार्मूला होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। हाँ, तो आपको बता रहा था मैं कि इसका फार्मूला होता है, कि इसका होता है आई क्यू कहते हैं इसको, आई क्यू बराबर बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु है 12 बट्टे शारीरिक आयु इसका 10 गुणे 100 फार्मूला आता है। तो इससे ये कट जाएगा 10 दहा में से, और 10 से इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120। तो इसका मतलब हो जाएगा इसका एक बालक की जो है बुद्धि लब्धि कितनी है, 120 है, यानी वो क्या है, वो सामान्य से भी ऊपर है। सामान्य जो होता है 90 से 90 के करीब होता है या उससे कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये 120 है, यानी कि बालक जो है ये बहुत बढ़िया बुद्धि का है, अच्छी बुद्धि का है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यही फार्मूला है आई क्यू मतलब बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100, ये फार्मूला है, इस पे निकल जाता है, तो हो जाएगा आपका इसका आंसर ए। चौदह नंबर सवाल, समेकित शिक्षा इंगित करती है, समेकित कह रहा है समेकित शिक्षा इंगित करती है क्या दिखाती है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, बी सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा।
तो सबसे पहले आप जानिए कि समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। समेकित मतलब कि समावेशी, समावेशी शिक्षा। और समावेशी का मतलब ये होता है कि ऐसा विद्यालय जिसमें हर वर्ग का बच्चा आता हो, वो सामान्य बुद्धि का भी हो, कम बुद्धि का भी हो, कह सकते हैं कि आप विकलांग भी हो और थोड़ा अंधा भी कह सकते हैं, अंधा भी हो, मतलब हर वर्ग का बच्चा उसमें आए और उसको एक ही क्लास में समान अधिकार से उसको जो है शिक्षा दी जाए, उसको कहते हैं समेकित शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा। तो इस हिसाब से आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी, सामान्य बच्चों भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, यानी दोनों प्रकार के नॉर्मल और जो अब नॉर्मल बच्चे हैं दोनों को एक साथ स्कूली शिक्षा दी जाए, ये कह रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक के रूप में हम बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्या करके? तो एक शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं क्या करके? तो आपका ऑप्शन है ये, ए अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर इनका हो जाएगा बी, आदर्श रूप से बर्ताव करके, मतलब एक अच्छा बर्ताव, मतलब एज ए शिक्षक जब एक अच्छा बर्ताव उसके साथ हम करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है सही हो जाएगा। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है यह दर्शाता है। मतलब कह रहा है कि राज्य स्तर एकल गायन, एक तो मतलब राज्य स्तर पर एक गायन प्रतियोगिता रखा गया है, इसके लिए जो है विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय, मतलब कई विद्यालयों में एक ऐसा विद्यालय है जो लड़कियों को बढ़ता है, यानी सिर्फ लड़कियों को ही महत्व देता है, लड़कों को नहीं। तो ये क्या दर्शा रहा है? तो ये क्या दर्शा रहा है? जाहिर सी बात है आपको, आप जान रहे होंगे कि ये जो है हमारी लड़कियों को महत्व दे रहा है, लड़कों को नहीं। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, लिंग लैंगिक पूर्वाग्रह कर रहा है। क्या कर रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब लिंग भेद कर रहा है, यानी समानता नहीं दिखा रहा है, असमानता दिख रहा है कि लड़कियाँ अच्छी हैं लड़कों से गायन प्रतियोगिता में, ये दिखा रहा है, इसको कहेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो आप देखिए, आपका पहला ऑप्शन है इसमें कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भाई, तो ये ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, अंतर संबंधित नहीं है कह रहा है, तो नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती और विकास हमेशा रेखीय होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सभी की विकास दर समान है। तो जाहिर सी बात है भाई, दो बच्चे हों, दो भाई ही हों, जुड़वा हों, और दोनों को जो है विकास दर में जो है कभी भी समान नहीं हो सकती है भाई। एक की बुद्धि जो है कुछ कुछ और हो सकती है, एक की बुद्धि कुछ और हो सकती है, एक जो है गठीले बदन का भी हो सकता है, एक थोड़ा दुबला पत्ता का हो सकता है, तो दोनों की विकास दर समान नहीं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह, विद्यार्थी है जो किसी पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, मतलब क्लास में उस पाठ में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए आपको, ये पूछ रहा है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शिक्षण विधि बदल दें, दृश्य सब सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, कक्षा में से चले जाएं आप, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो आप क्या करेंगे भाई? शिक्षण विधि बदल देंगे आप, क्योंकि जब उसको समझ में नहीं आ रहा है उस पाठ को, उसमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप तरीके को बदल दीजिए, और जब तो आप तरीका शिक्षण विधि बदल देंगे तो उस बच्चे को उस पाठ में इंटरेस्ट होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है, व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है, इनमें से किस पक्ष में आता है? सीखने की गति क्षेत्र में, सीखने की भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने की मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में,
और सीखने की संज्ञा। तो व्यवहार सीखने की गति क्षेत्र में आता है। किस में आता है? सीखने की गति क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका, कुछ ये है, ये क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किस किस में सहायता करता है, ये पूछ रहा है आपसे। कि शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका आंसर हो जाए आपका ए, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है समय शिक्षक को जो है सहायता करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 20 का ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण, मतलब शिक्षार्थी हैं विद्यालय में, उनकी अधिगम शैली में अंतर है, यानी पढ़ने में समझने में के अलग अलग जो है अंतर, तो इसका कारण क्या हो सकता है इनमें से। ये कह रहा है कि आपका शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया कारण हो सकता है। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, ठीक है। तीसरा कह रहा है आपका कि परिवार की आर्थिक स्थिति। दूसरा बालक का लालन पालन, बालक का लालन पालन और परिवार की स्थिति से तो इसका कोई लेना देना है अधिगम का पढ़ाई का, तो ये दोनों ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं। बच गए दो, शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया में अधिगम का कोई से नहीं। तो आपका आंसर बच जाता है सिर्फ बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, ये जो है आपका अधिगम शैली का अंतर जो है शिक्षार्थियों के बीच कारण स्पष्ट कर सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका आपका क्वेश्चन नंबर है 22। कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। कह रहे कक्षा एक, यानी कि आप प्राइमरी के टीचर हैं और कक्षा एक में आप पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा एक में जो बच्चे हैं उनका जो भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना, यानी सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। भाषा कौशल चार होते हैं आपके, भाषा कौशल आपको पता ही है, भाषा के कौशल चार होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो इसमें से कक्षा एक का बच्चा अगर है तो उसमें से उसका सबसे पहला क्रम कौन सा होना चाहिए, पहले क्या करेगा, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो पहला है सुनना, पहले सुना, सुने, सुना फिर सुनाया जाए, फिर उससे बुलवाया जाए, फिर पढ़वाया जाए, फिर लिखवाया जाए, फिर अभी लिखवा दिया जाए पहले, फिर पढ़वाया जाए, फिर सुना जाए, फिर बोला जाए, सुना जाए, लिखा जाए, बोला जाए या पढ़ा जाए, लिखना बोलना पढ़ना या सुनना, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, सुनना। पहले बच्चे को सुनाइए, यानी पहले बच्चा सुनेगा तब उसको सुन के बोलेगा, और जब सुन के बोलेगा तो उसको जो है पढ़ने लगा, और पढ़ेगा जब तो फिर लिखना, यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये क्रम आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपका कि मानव व्यक्तिगत परिणाम है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है इनमें से किसका, मानव व्यक्तिगत परिणाम इनमें से किसका है, ये क्वेश्चन पूछना है। तो इसका पहला विकल्प है केवल अनुवांशिकता का, केवल अनुवांशिकता का नहीं हो सकता, पालन पोषण और शिक्षा का, सी अनुवांशिक अवतवादर के अंतः क्रिया का, और केवल वातावरण का। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, अनुवांशिक और वातावरण के अंतः क्रिया के, अनुवांशिकता का तो असर होता ही है, लेकिन मानव व्यक्तिगत परिणाम में हमारे जो है वातावरण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कक्षा एक और दो स्तर के बच्चे, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक और कक्षा दो स्तर के बच्चे इनमें से क्या सीखते हैं, ठीक है।
तो पहला आपका इसमें ऑप्शन है कि मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त नहीं सॉरी अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, दूसरा मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, और तीसरा है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, चौथा है लिख कर सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमूर्त और मूर्त क्या होता है। अमूर्त का मतलब होता है जो बच्चा देख नहीं रहा हो, और मूर्त का मतलब होता है जो बच्चा देख रहा हो। तो जाहिर सी बात है आप अपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बच्चा जो है जो चीज़ें देखता है उस अनुभव से जल्दी से सीखेगा। मूर्त का मतलब होता है देख के सीखना। इसमें आपका एक नियम भी इसमें है पढ़ा होगा, मूर्त से अमूर्त क्यों। तो बच्चा जो है सबसे पहले जो है वो क्या करेगा, मूर्त करेगा। यानी कोई चीज़ आपको प्राइमरी स्तर में आएगी, और मान लीजिए आपको जो है कोई क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कोई चीज़ पढ़ाना हो जैसे मान लीजिए आपको कक्षा एक और दो का बच्चा है, और आपको कोई भी विषय ले लीजिए जो पढ़ाना हो, उसमें आप उसको जब फिगर दिखाएंगे और फिगर दिखा के जब उसको पढ़ाएंगे तो जल्दी से सीखेगा, ना कि बिना देखे। ठीक है, ये कह रहा है। तो मूर्त और अमूर्त का मतलब ये हो गया, जरूर आप समझ गए होंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है, ऐसी भिन्नता जो दोनों की अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए जुड़वा बच्चे हैं, उन जुड़वा बच्चों में एक जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, कॉमन कुछ ना कुछ अलग होगा। तो शिक्षार्थी यानी बच्चों में व्यक्तित्व में भिन्नता क्या दिखाती है, प्रदर्शित करते हैं, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए इनमें से, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और सीखने के लिए विविध अनुभवों का को उपलब्ध कराना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी। अगर व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है तो सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए उस बच्चे को, ठीक है, एक शिक्षक के नाते। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, शिक्षा के संबंध में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि शिक्षा के संबंध में समाजीकरण का क्या अर्थ है, कह रहा है। तो समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करता है, अपने सामाजिक मानदंड बनाता है, समाज में बड़ों का सम्मान करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यानी समाजीकरण क्या है, जब आप बच्चे को वातावरण भेजें तो वातावरण में जो सीखेगा और उसका अनुकूलन करेगा, उसका समायोजन करेगा, उसके द्वारा जो सीखता है उसको समाजीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा, यानी प्राथमिक स्तर का वो शिक्षक है, यानी एक से लेकर पाँच तक का वो पढ़ाने वाला टीचर है, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण उसमें इनमें से कौन सा उसका होना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए विकल्प दिया है, पहला शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर, उच्च मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, और धैर्य और लगन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से उसके अंदर क्या होना चाहिए, भाई प्राइमरी स्तर है, बच्चा जो है प्राथमिक स्तर का है, आप जो है एक से लेकर पाँच तक के बच्चे को पढ़ाने की टीचर हैं, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य और लगन होना चाहिए। धैर्य मतलब उस बच्चे भाई बदमाशी करेंगे, छोटे हैं तो कुछ शरारतें करेंगे, तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और पढ़ाने का लगन होना चाहिए, तब जाके जो है ये है आपके प्राथमिक स्तर के शिक्षक का एक महत्वपूर्ण गुण आपके अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, कह रहा है नर्सरी कक्षा से यानी नर्सरी कक्षा का बच्चा है उसमें शुरुआत करने के लिए कौन, नर्सरी कक्षा के बच्चों की शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम जो है सबसे अच्छी होती है इनमें से शुरुआत करने के लिए नर्सरी कक्षा के लिए। तो कह रहा है मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। जाहिर सी बात है नर्सरी कक्षा का बच्चा है तो सबसे पहले मेरा परिवार, ये जो है थीम उसको पढ़ाने में सबसे अच्छी विषय, सबसे अच्छा जो विषय है वो है मेरा परिवार। यानी उस बच्चे को जब परिवार, मेरा परिवार क्या है,
उस परिवार के बारे में जब उसको बताएंगे तो वो बच्चा समझ जाए कि मेरे परिवार में मेरे पापा, पिता, मामा, दादा, दादी, जो कुछ भी हैं, चाचा, चाची, उन सब, यानी मेरे परिवार परिवार के विषय के बारे में सबसे पहले उसको नर्सरी कक्षा में तो पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आइए आपका, अब आपका आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है, पियांजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो आपको पता ही होगा, जीन पियांजे एक बच्चों के मनोवैज्ञानिक हैं बच्चों के, और जिन्होंने जो है चार जो है चरण दिए थे, उन चार चरणों में से पूछ रहा है संज्ञानात्मक विकास का वो कौन सा चरण है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, वो बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। यानी संवेदी मतलब ये बच्चा जन्म के बाद से 2 वर्ष का है, जन्म से 2 वर्ष का ये बच्चा है संवेदी पूर्व, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त में जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये बच्चा जन्म से 2 वर्ष का है, उसमें वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इनमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षण की या नियंत्रण करता की। तो देखो इसका आपका आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता की, यानी शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की होनी चाहिए। दोस्तों मुझे पता होगा कि आपको मैंने ये जो वीडियो दिया है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप जो है इस पे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें जो है प्रोत्साहन मिलती है। और जो है इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने इसमें कहा था कि आपको 60 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन थोड़ी किसी कारणवश जो है हमको जो है आपका 60 क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं, तो इसलिए हम जल्द ही आपको और 30 क्वेश्चन इस वीडियो में पार्ट 2 के रूप में अपलोड कर देंगे, और उसको जो है आपको मिल जाएगा। और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, तो आपको वो जो है वो नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सेट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये सेट जो है इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। धन्यवाद।